पटना की राजनीति की बात कर लें, पटना में आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, पूर्व अध्यक्ष आरपीसी सिंह, केसी त्यागी, संजय झा समेत जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर ये संदेश दिया गया है कि जेडीयू के असली बिग बॉस नीतीश कुमार ही है। पटना में जेडीयू मुख्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर के जरिए ये साफ कर दिया गया है कि पिछले दिनों पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने कमान खुद अपने हाथ में ले ली है और वो किसी को भी यह मौका नहीं देना चाहते हैं जो विवाद का कारण बने। दरअसल बिहार में पोस्टर के जरिए ही जेडीयू का सियासी घमासान सामने आया था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह जब पटना पहुंचने वाले थे उस वक्त उनका पोस्टर लगाया गया था जिसमें ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। उस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए कि जेडीयू के अंदर अलग अलग गुट बन गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले सिर्फ नीतीश कुमार का पोस्टर लगाकर ये साफ कर दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड में एक ही नेता है, वो है नीतीश कुमार। कल हमारी बैठक है वो 31 जुलाई के जो दिल्ली में कार्यक्रम हुए थे या फैसले हुए थे उन्हीं के अनुमोदन के लिए के स्तर का जो इशू है उस पर बैठक आज भी और कल भी, कोई प्रदेश के लिए स्पेसिफिक अलग से आज की बैठक में कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। पोस्टर की लड़ाई सिर्फ जेडीयू के अंदर ही नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी दिख रही है। शनिवार को आरा में रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने से जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की तस्वीर वाले बैनर को जला दिया। इस मौके पर पूर्व सांसद मीना सिंह समेत जेडीयू जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भी विरोध दर्ज कराया है। जाहिर है बिहार में पोस्टरों का बहुत महत्व है, शायद इसीलिए पोस्टरों पर इतनी जंग मची है। आज दोपहर 3 बजे से जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक में जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, यूपी समेत आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संगठनात्मक स्तर पर मजबूती की चर्चा को लेकर भी बैठक होगी। तो बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वाली सियासत, और इस पर बात करने के लिए पटना से हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि श्री जुड़ रहे हैं। निधि श्री, बैठक से ठीक बोले पहले ये पोस्टर और उसमें सिर्फ नीतीश, मायने क्या है इन पोस्टर्स के? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलग अलग राजनीतिक मायने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना यह है कि आज भी पावर सेंटर का मतलब जेडीयू में नीतीश कुमार है। मैं जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और पोस्टर सीधा सामने ही दिखा देती हूँ आपको। यहीं पर वो पोस्टर लगी थी ठीक आरसीपी सिंह को जब मंत्री बनाया गया उस वक्त, कि आरसीपी सिंह के पोस्टर से ललन सिंह को ही गायब कर दिया गया था और उन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह थे, जिसके बाद जो दो गुट की बात की जा रही थी, जो दो अलग अलग धारा जेडीयू में दिख रहा था ललन सिंह और आरसीपी सिंह की, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक तरीके से कहा जाए तो संदेश साफ नहीं था। लेकिन सामने पोस्टर देखिए, अलग अलग बातें जो है वो इसमें लिखी गई हैं, बगल में महात्मा गांधी की तस्वीर है और 3 पोस्टर आज की तारीख में जेडीयू के बाहर लगा हुआ है और तीनों ही पोस्टर में कहीं भी ना तो आरसीपी सिंह दिख रहे हैं ना ही ललन सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से इन तीनों पोस्टर को लगाने से पहले, देखिए आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, ये बैठक जो है हालांकि 3 बजे से होनी है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे, चूँकि अलग अलग ज़िले से कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुँचना है, जो भी कार्यकर्ता पहुँचेंगे यहाँ पर उनके लिए एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार ही मुखिया हैं और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, लोगों के बीच किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। सामने पोस्टर पर क्या लिखा है ये देखिए, प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं। तो एक तस्वीर के साथ साथ संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच को लेकर के जो गुटबाजी की बात चल रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, जिस तरीके से दो अलग अलग धारा दिख रहा था, आज की तारीख में एक संदेश कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई। और बिहार में पिछले दिनों जिस तरीके से पोस्टर की राजनीति होती आई है, हम सब ने देखा कि किस तरीके से पोस्टर लगाकर बिना कुछ कहे एक संदेश अलग अलग तरीके से नेताओं की तरफ से आम लोगों को भी दिया जाता रहा है। तो एक नया पोस्टर लगाया गया और संदेश यही कि जेडीयू मतलब मुखिया मतलब नीतीश कुमार। जी निधि, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो दो खेमे में किस तरीके से जेडीयू अपने आप में बढ़ता नजर आ रहा है, आपको निधि बता रही थी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।